क्या हमको एज ए चर्च ग्रो करना है, परमेश्वर की ग्लोरी में, उसके प्रेजेंस में, उसके फेवर में, उसकी ब्लेसिंग में ग्रो करना है? आज मन बना लो, एज ए चर्च हमको वो चर्च बनना है जो अपने वर्शिप में सीरियस है। हमको उसको दुनिया के सदस्य नहीं बनना, हम दुनिया की आराधना नहीं कर रहे, हम पैसे की आराधना नहीं कर रहे। हम यहाँ इसलिए बैठे, हमको कुछ मिलेगा, हम इसलिए बैठे कि वो कौन है। यही वर्शिप सर्विस होती है। जब लोग इसलिए आते हैं सर्विस में कि आज हमको हीलिंग चाहिए, आज हमको डिलीवरेंस चाहिए, आज हमको ब्लेसिंग चाहिए, मेरी जरूरत है, वो तुम वर्शिप सर्विस में नहीं हो, तुम हीलिंग सर्विस में हो, तुम डिलीवरेंस सर्विस में हो, तुम प्रभु के लिए नहीं आए हो। उससे क्या मिलेगा, उसके लिए आए हो। तो तुम प्रेज पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, धन्यवाद में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वर्शिप तुम्हारा प्रिविलेज नहीं है। कुछ लोग उसको रूल समझते हैं, ये रूल्स हैं, हमको रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करेगा आत्मा और सत्य में करेगा। और परमेश्वर ऐसे ही आराधक खोज रहा है। वर्शिप हाईएस्ट चीज है और वर्शिप अनंत काल की है। हम बने परमेश्वर की महिमा के लिए, और वो आनंद लेता है सच्चे आराधकों में। वो खोज रहा है सच्चे आराधक को, क्योंकि सच्ची आराधना जीवन बदल देती है। सच्ची आराधना हमको परमेश्वर को और गहरे रूप से जानने में मदद करती है। परमेश्वर हाथ से बनाए मंदिरों में नहीं रहता। तुम बोलोगे पुराने विधान के मंदिर में रहता था, परमेश्वर ने जगह चुनी थी अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। नए विधान में ग्लोरी का सारा फोकस जीसस पे है, वही वर्शिप का फोकस है, क्योंकि वो गॉड की प्रकट उपस्थिति है, उसमें परमेश्वर की भरपूरी है। आमेन। वही परमेश्वर की वो महिमा है जो संसार में है। आमेन। यीशु ने रूप धारण किया, राइट? ग्लोरी पहले शरीर में थी, राइट? पर जब प्रभु यीशु क्रूस पे मरे, क्या वो पर्दा फट नहीं गया? और इसका मतलब क्या है? अब ग्लोरी अनवेल्ड हो चुकी है, अब ग्लोरी ढकी नहीं हुई है। अब यीशु के लहू के द्वारा कोई भी उस ग्लोरी में प्रवेश कर सकता है, उस प्रेजेंस में जा सकता है। आमेन। इसलिए लूका 7 में जो कहानी है, ये औरत आती है अपने हाथ में वो इत्र की बोतल लेके, और वो तोड़ के, उसका ढक्कन तोड़ के वो सारी इत्र प्रभु यीशु पे डाल देती है। उसके आंख के आंसू गिरते हैं और उस आंसू से प्रभु के पांव धुलते हैं, अपने बालों से उसके पांव को साफ करती है, उसके पांव को चूमती है और उसका अभिषेक उस इत्र से करती है। जब फरीसी देखते हैं, वो बोलते हैं कि अगर ये आदमी नबी है तो इसको मालूम होना चाहिए ये औरत कौन है। ये वर्शिप है, क्या है इस औरत के पास? वर्शिप के कितने चीजें देखो, इसके आंसू वर्शिप में इन्वॉल्व है, इसके बाल वर्शिप में इन्वॉल्व है, इसके होठ वर्शिप में इन्वॉल्व है, इसकी सबसे महंगी चीज इत्र वर्शिप में इन्वॉल्व है। इसने अपना दे दिया, वर्शिप देने के बारे में और उससे लेने के बारे में। आमेन। वर्शिप हमको चाहिए नहीं, हम तो उसकी प्रकाशना मिलते अपने आप को दे देते हैं। स्वर्ग में भी तो सारे बुजुर्ग उठ के अपने घुटनों पर आ जाते हैं, सजदा करते हैं। योना याकूब की माँ आती है, वो क्या करती है? सजदा करती है। जब वो दुष्ट आत्मा वाला छुटकारा उसको मिल जाता है जो कब्रों में था, उसको छुटकारा मिलते पहले क्या करता है? उसका सजदा करता है। वंद आदमी जिसको आंख मिलती है, वो क्या करता है? सजदा करता है। जब थॉमस को मालूम चलता है कि यीशु वहां सही में, वो उन घाव को छूता है, वो क्या बोलता है? वो उसको प्रभु परमेश्वर कहता है और उसका सजदा करता है, उसकी आराधना करता है। औरत जो कब्र में आती है, वो क्या करती है? प्रभु यीशु को देखती है, उसकी आराधना करती है। वो कनानी स्त्री क्या करती है? प्रभु को देख के उसकी आराधना करती है। जो कोढ़ी साफ हुआ था, वो क्या करता है? उसकी आराधना करता है। उसके चेले क्या करते हैं? उसकी आराधना करते हैं। हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? आराधना। और कोई आराधना नहीं कर सकता जब तक उसको परमेश्वर की प्रकाशना नहीं मिले। इसलिए आराधना सत्य में होती है। मैं सब बोला आराधना सत्य में होती है। आराधना झूठ में नहीं होती। आराधना मनगढ़ंत बातों से नहीं होती। आराधना मन के सोचे हुए तरीके से नहीं होती। आराधना परमेश्वर की प्रकाशना पर आधारित है। आमेन। जब वो प्रभु यीशु के सामने आती है, उसको अपनी असलियत मालूम थी। देखो, जब हम परमेश्वर को करीब आते हैं उसकी ग्लोरी में, हमको अपने पाप दिख जाते हैं, अपना स्वभाव दिख जाता है। फरीसियों को मालूम था ये औरत पापी है, उनको ये नहीं मालूम था यीशु पवित्र है। तुम उस औरत की प्रकाशना से आराधना नहीं कर सकते, चुगली कर सकते हो। लेकिन फरीसियों को जब ये मालूम अगर होता, वो भी वहां आराधना कर रहे होते। इस औरत को वो मालूम था जो फरीसियों को नहीं मालूम है, कि ये पवित्र है। और ये औरत का सेंटर बन गया जीसस, इसके वर्ल्ड का सेंटर जीसस। इसका एटीट्यूड क्या है? धन्यवाद का। इसने प्रभु को प्यार किया, प्रभु के पांव को चूमा। इसकी जगह कहाँ है? प्रभु यीशु के चरणों में। प्रभु के पांव अपने आंसुओं से धोए, इसने अपने बालों से उसके पांव को पोछा, अपने होठों से उसको चूमा, अपने इत्र से उसको अभिषेक किया। और वो पाने नहीं आई थी, वो देने आई थी, लेकिन वो पा के गई। ये ट्रू वर्शिप में, आराधना में कोई इन्विटेशन नहीं होता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, हमको माहौल नहीं बनाना पड़ता, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। ट्रू वर्शिप रिस्पॉन्स है गॉड के रेवलेशन का, उसके प्रेजेंस का। आमेन। और रिजल्ट क्या है? ये बदल जाती है। वर्शिप एक एक्सचेंज एक्सपीरियंस है।
जब उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे वर्शिप में, उसके उसके आंसू, उसके बाल, उसका इत्र, अब उसको इस इत्र की जरूरत नहीं थी, उसको इससे बड़ी चीज कोई मिल गई। अगर पैसा मेरी सबसे बड़ी चीज, हम उसको बचा के रखेंगे राइट, लेकिन हमको वो मिल जाए जो सबका मालिक है, जिसने सारी आशीष दी है, फिर पैसा क्या चीज है। तो कितने लोग अपने पैसे दुनियादारी में उड़ा सकते हैं, परमेश्वर के कामों में नहीं लगाते, लेकिन जब आराधना आती है हमारा रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स हम अपने आप को दे देते हैं। तो सच्ची आराधना जीवन को बदलती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। आमेन। इसलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर अनुरोध करता हूँ, अपने जीवन को परमेश्वर को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ, यही परमेश्वर को ग्रहण है। आज मैंने दुआ है कि हम लोग व्यर्थ आराधना नहीं करेंगे, सच्चे आराधक बनेंगे।